हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन पीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिरी 29 दिन की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीपीएससी प्री 2018 के लिए। उससे पहले आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, @VisionUPPSC टाइप करेंगे तो आ जाएगा, और इस वीडियो के नीचे भी लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाके भी लॉगिन हो सकते हैं। इसमें दो ग्रुप हैं, एक मेंटर का है, मतलब आप कुछ भी वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पे लिख भी सकते हैं, और एक ग्रुप है जहाँ आपको सारा मटेरियल भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर वन के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो बेसिक बुक्स थी उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा कि जो बेसिक बुक्स हैं वो मैंने वहाँ बता रखी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पोर्शंस हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और जो नॉर्मल जो बुक्स होती हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर काफ़ी मार्केट में बुक्स आती हैं, लेकिन बेस्ट मुझे ये लगता है कि जीके टुडे के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लगाया जाए, क्योंकि पर डे एमसीक्यूज़ आते हैं 10, ठीक है। उसके साथ में घटना चक्र जो नॉर्मल एग्जाम से पहले आती है, 15-20 दिन पहले, अगर दो चीज़ें आप कर लेंगे तो काफ़ी जो करंट है इससे कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी जैसे दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है वो भी मैगजीन भी अच्छी है, पीडी भी आती है, क्रॉनिकल भी आती है, ठीक है, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, लेकिन ये दोनों मुझे मस्त लगता है कि इनको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि जीके टुडे का काम ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आयोग के द्वारा वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है एमसीक्यूज़ बनाने वहाँ बैठेंगे तो नहीं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है, गूगल पे डाल के सर्च करते हैं वो कि लेटेस्ट में कुछ ऐसे करंट्स हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नहीं लेते वहाँ से, क्वेश्चन को ही थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद रहती है कि क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है एक बार अगर आपने वहाँ से प्रैक्टिस किया है। तो करंट अफेयर्स के लिए जीके टुडे के एमसीक्यूज़ की बात करूँ, उसमें दो फॉर्मेट में आते हैं। एक में तो पूरा समरी दिया होगा, एक सिर्फ करंट जो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में होता है, जो एमसीक्यू फॉर्मेट होता है उसी को करना है, बाकी का जिस तरह से करना है वो पूरा वो घटना चक्र से हो जाएगा। उसके बाद में हिस्ट्री के लिए, उस वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, तो हिस्ट्री में ऐसा कोई शॉर्ट टर्म वाली चीज़ नहीं है, जो बेसिक बुक है वो पढ़नी ही पड़ेंगी। अब ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैपिंग, ठीक है। मैपिंग से बहुत सारे काम, जैसे लोकेशन, और उसके बाद में कि कहाँ से कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सारा अगर मैप के साथ में अगर आप लिख के रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा आसान रहता है कि याद करने में, ठीक है। चाहे वो रिवर्स के ऊपर हो जाए, ठीक है, या किसी कोई झरने के बारे में अगर पूछा जा रहा है, किसी का एरिया अगर पूछा जा रहा है, तो ये सारा का सारा आप मैपिंग अगर कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके उम्मीद रहती है ज़्यादातर सही हो जाएंगे। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। उसके बाद में पॉलिटी में लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल, ठीक है। कुछ आर्टिकल हो गए, कुछ जो वाद विवाद हो गए या संविधान संशोधन हो गया, तो एक डाटा है वो, ठीक है। बेसिक जो पॉलिटी की समझ होगी वो तो आपने पहले ही कर ली होगी, लेकिन यहाँ पर आप लास्ट के जो डेज हैं उनमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल ये भी गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारा संविधान संशोधन अगर कोई हुआ है तो उसका जो डाटा वगैरह है वो भी याद गलत नहीं होना चाहिए। साथ में जो वाद विवाद जो होते रहते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, बेरुवारी केस हो गया, तो वो किससे संबंधित है, तो इस तरह के डाटा जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में ये आप इम्पॉर्टेंट है कि इनको अच्छे से रेडी करें, क्योंकि तो बेस एक तरह से बन जाता है अच्छी तरह से, तो यही दिक्कत आती है कि आर्टिकल भूल जाते हैं। उस बाद में इकोनॉमी में भी डाटा में भी कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत मैं बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ योजना के जैसे पूरा मिशन जो है कब चला, तो वो 2003 या 4 इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, और उसका जैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड का जैसे दिया होता है कि 1998 और 1999, और साथ में 1999 और 2007 में दिया होता है, तो केसीसी को माना जाता है कि 1998 से, ठीक है, तो उसमें 98-99 वाला सही होता है। तो यहाँ पर हम कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि नहीं, केसीसी तो 99 में है। तो इस तरह के डाटा जो है वो आपको एकदम एग्जैक्ट याद होने चाहिए कि कौन सी योजना कब आई, ठीक है, उसके बारे में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इकोनॉमी के प्री में इसी तरह से रहेंगे, ठीक है, कि किसी डाटा के ऊपर पूछा, किसी योजना के कब उस योजना की शुरुआत हुई, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से जो है याद रखें लिख के। और घटना चक्र की जो मैगजीन्स आती है उस मैगजीन में आप देखेंगे जो क्वेश्चंस बने हैं अब तक, उन क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेन करा होता है उस एक्सप्लेन से ही कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कई योजनाओं के बारे में वहीं से पूछा गया डायरेक्ट, तो वो अच्छे से कर सकते हैं, एक अलग पेज पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, दो पेज में सारी खत्म हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछी गई हो वो। उसके बाद में इन्वायरमेंट में कौन सा एक्ट, जैसे वन अधिनियम कब आया, ठीक है,
टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे आपको लिख के रखने हैं। साथ में हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हो गए, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए लोकेशन वाइज कि कौन कौन सा कहाँ पे है। तो जो क्वेश्चन रहता है एनवायरनमेंट पे बहुत आसान रहता है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन जैसे नेहरी को इस बार मेंस में पूछा गया, नेहरी कैसे काफ़ी पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं एनवायरनमेंट के, वो सारे के सारे एक दो पेज में लिख सकते हैं। घटना चक्र में एक दो बुक में दिया हुआ है, एक पेज में ही सारे के सारे एक साथ दे दिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बुक्स में होगा तो वहाँ से आप अच्छे से उसको कवर करें, क्योंकि उसके पूरे चांसेस बनते हैं कि वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। उसके बाद में जनरल जो साइंस होती है, ठीक है, लुसेंट को इतनी बड़ी बुक नहीं है, जनरल साइंस को आराम से ख़त्म कर सकते हैं उस बुक को, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा जितना भी सिलेबस है उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बहुत हेल्प करती हैं एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं उनको बूम करने के लिए, ठीक है। बाद में जो अगला है कि जो हमारा आखिरी का जो महीना है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यू सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को देखें, बार बार देखें उन क्वेश्चन को, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बन रहा है या भूल जाते हैं तो उसको लिख लें। जैसे साइंस का है तो साइंस का आपने एक दो पेज बना लिया कि इनके आंसर हमें याद नहीं रहते, ठीक है, तो उनको लिख सकते हैं आप। तो लिखने के बाद दो तीन बार जब उसको याद करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को जिनका आंसर आपको बार बार याद नहीं रहता, तो आसानी से याद कर सकते हैं आप उनको, ठीक है। क्योंकि एक भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो मैं बुक बता रहा हूँ आपको, ये शिल्पी की बुक है, और शिल्पी जो शिल्पी पब्लिकेशन की, पेपर वन के लिए। और इसमें क्या होता है, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन सारे इसमें हैं, तो पेपर वन और पेपर टू दोनों के। और साथ में जो घटना चक्र के जितने भी आते हैं आपके, जो राज्य आधारित क्वेश्चन जो जो यूपीपीसीएस जो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से एमपी या राजस्थान भी होते हैं, और जो ज्योग्राफी वगैरह, ये सारे के सारे जो जितने भी घटना चक्र के हैं इनको तो मस्ट है कि इनको अच्छे से रेडी करके जाना है। क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, आपको एक्सप्लेन पे भी ध्यान रखना है कि कहीं कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, घटना चक्र पढ़ के जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे हिस्ट्री का और जो ज्योग्राफी है उसका पहले जो पेपर मेंस में जो पेपर होता है तो उसमें पॉलिटी और इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी इकोनॉमी और साइंस जो है सेकंड पेपर में आता है, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर साइंस के 25-30 तक चले जाते हैं, ज्योग्राफी के भी 50 चले जाते हैं, जो पहले पेपर में हिस्ट्री का भी जो है क्वेश्चन 40-50 रह जाता है। तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ बने भी हैं, तो वहाँ से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये हमारा। और साथ में जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी बुक है, तो जो साइंस की जो लुसेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ में जो नॉर्मल लुसेंट जो होती है, जीके की जो लुसेंट होती है, वो तो मस्त है, इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। इससे पूरे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपको 7-8-10 क्वेश्चन हर साल जो है इससे मिलता है, तो इसको अच्छे से करें। दोनों लैंग्वेज में आती है, ठीक है। और जीके टुडे की वेबसाइट का ये जो मैंने फोटो भी डाल दिया है कि कौन सी वेबसाइट है, कोई कन्फ्यूजन कर जाए, तो ये जो है ये वाली वेबसाइट है जहाँ आपको जाके देखना है। उसके बाद बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू का जो सिलेबस है वो ये, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, जनरल मेंटेलिटी आती है, कुछ मैथ, और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इनका लेवल जो है वो 10th का रहता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि लास्ट टाइम ऐसा लगा था कि मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अजीब बना दिया था। अजीब पेपर कैसे हो गया था कि पेपर में पहले क्या था, रीजनिंग का परसेंटेज भी कम था और मैथ का भी परसेंटेज नहीं था, इंटरपर्सनल स्किल का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा दिया है लोगों ने, तो उस तरह से वहाँ दिक्कत आ गई। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो जो बेसिक जितनी भी बुक आती हैं घटना चक्र की इनको ले लें, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको अच्छे से सॉल्व करके चले जाएँ, स्पेशली इंटरपर्सनल स्किल वाली जो बुक है इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब जिन लोगों को इंग्लिश सही है तो इंग्लिश तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, हिंदी ग्रामर को जरूर एक बार देख ले, और उसके बाद में जो मैथ वगैरह है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो उनको सॉल्व करके चला। रीजनिंग आसान होगी, रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं है। अगर दिक्कत जैसे पिछले साल इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन ज़्यादा थे, अगर इस तरह के क्वेश्चन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको करने में, लेकिन इतना नहीं है कि यूपीएससी के बराबर मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट टाइम जो था डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं आए थे, 2016 में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे, कुछ सिलोजिज्म के क्वेश्चन थे, तो उसने पेपर को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया था, लेकिन पिछले साल इन दोनों चीज़ों को हटा दिया गया। तो
वो क्वेश्चन भी नहीं थे और डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नहीं है। डिसीजन मेकिंग के 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर डाल दिए जाते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है पास करना, क्योंकि वो उस क्वेश्चन के आंसर आसानी से निकल आते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ज़्यादातर सही होते हैं उसके क्वेश्चन। तो इंटरपर्सनल स्किल अगर के क्वेश्चन अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो थोड़ी सी लगता है दिक्कत होती है, तो उसके लिए पहले से ही ठीक कर सकते हैं हम कि ये वाली जो जितनी भी आती हैं बुक्स, लेकिन ये बुक्स सारी की सारी हिंदी में आती हैं। अभी शायद ऑनलाइन तो नहीं मिल रही है, लेकिन ऑफलाइन जो है कुछ टाइम के बाद में ये हो सकता है मार्केट में आ जाए। तो पेपर टू के लिए बाकी कुछ नहीं करना है, ये सारी जो बुक्स हैं इनको देख लें, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सिर्फ उन पे ही फोकस करें। तो 30 दिन के अंदर हम यही कर सकते हैं कि जितना भी हमारा डाटा है उसको कलेक्ट करते रहें, उसको नोट डाउन करते रहें, एक शॉर्ट नोट्स रेडी करते रहें, ताकि लास्ट के जो डेज आते हैं उनमें हम इसको कवर कर सकें। साथ में जो करंट के जो जितने भी जयदृष्टि एस का होगा, क्रॉनिकल का होगा, उसका वीडियो मैं अब वहाँ पर वीडियो डालना लगातार कर दूंगा यूट्यूब पे चैनल, और उसके बाद में जितने भी जो PDF वगैरह होंगी उसकी वो सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। थैंक यू।